फाइनली दोस्तों मैंने गाड़ी पर ब्रेक रेस्ट लगा दिया है, कितना क्या कॉस्ट लगा और मैंने गाड़ी की सेकंड सर्विस भी करा दी है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या कॉस्ट लगा ब्रेक रेस्ट को लगाने में और क्या सर्विस चार्ज लगा इसको गाड़ी में इंस्टॉल करवाने पे शोरूम पे, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिटेल बाई डिटेल, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं ब्रेक रेस्ट कितने में कितने रुपये में मिला मुझे और कितना डिस्काउंट मिला। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके छोटे भाई का ही चैनल है, तो सब्सक्राइब कर देना गाइज। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और अभी आप कमेंट करके बताओ आपने क्या पहले से ही ब्रेक रेस्ट लगा रखा है या अभी तक आपने नहीं लगाया है, कमेंट करके बताना। तो मैं आपको बता दूं मुझे ये ब्रेक रेस्ट है ना दोस्तों 2050 रुपये में पड़ा था। यहाँ पे इसकी प्राइस तो है 2750 रुपये लेकिन 10% का डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पे, अगर आपकी शोरूम पे अच्छी जान पहचान है तो वो आपके अच्छा डिस्काउंट कर देंगे एसेसरी पे। एसेसरी पे रॉयल इनफील्ड 10% का आपको डिस्काउंट देती है, तो आप देख लेना 10% कितना होता है 2750 का, फिर 100 से 200 रुपये आपकी अगर जान पहचान अच्छी है तो शोरूम पे वैसे भी कम हो जाएंगे। तो ये शोरूम पे मैंने लगवाया था, मैं इसका इंस्टॉलेशन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि शोरूम पे जहाँ पे सर्विस करते वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए मैं जब उन्होंने ब्रेक रेस्ट लगा रहे थे तब मैं वीडियो नहीं बना पाया। आप बोल रहे थे कि ब्रेक रेस्ट इंस्टॉलेशन वीडियो बनाओ, तो वो मैं नहीं कर पाया, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इसको लगाना बहुत आसान है, आप इसे घर पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसे घर पे भी इंस्टॉल करवा सकते हो। इसको लगाने पे 100 से 200 रुपये का खर्च आएगा, वो सर्विस चार्ज लेते हैं, बाकी ब्रेक रेस्ट आपको 2050 में तो मुझे मिला, या आपके स्टेट में डिपेंड करता है, आपके स्टेट में जो शोरूम वाले जो मतलब मैनेजर वगैरह है वो आपके कैसे मतलब आपके कैसे व्यवहार में, अगर व्यवहार अच्छा होगा तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, प्राइस आपके शोरूम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मुझे इसके ब्रेक रेस्ट की यहाँ पे क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया क्वालिटी का ब्रेक रेस्ट है, मुझे तो ब्रेक रेस्ट में कोई कमी देखने को नहीं मिली, बहुत बढ़िया क्वालिटी का ब्रेक रेस्ट है। ब्रेक रेस्ट लगा लेने के बाद मैं पीछे बैठा और मेरे फ्रेंड को कहा कि तुम बाइक चलाओ, तो मुझे सच में फ़र्क फील हुआ जब ब्रेक रेस्ट लगा देते हैं तो गाड़ी मतलब यार पीछे बैठने वाले को बहुत ही मतलब कम्फर्टेबल राइड का एक्सपीरियंस होता है, पीछे कमर में पेन भी नहीं होता बिल्कुल भी, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि अब चाहे गाड़ी हाई स्पीड पर भी चले तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, पीछे आपके कमर पे सपोर्ट बन जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, अगर आप लगाना चाहो तो आप रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल ही लगाना क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, बाकी आप आफ्टर मार्केट भी लगा दोगे आपको आफ्टर मार्केट मिल जाएगा 1000 से 1200 रुपये का आराम से, लेकिन मैंने जो लगाया ये कंपनी का ओरिजिनल है तो इसीलिए इसका प्राइस भी ज़्यादा लगा। बाकी मैंने गाड़ी की सेकंड सर्विस भी करा दी है, बहुत जल्द सेकंड सर्विस का भी वीडियो आएगा, उसमें बताऊंगा सेकंड सर्विस में कितना खर्च आया और क्या कुछ मतलब मुझे चेंजेस देखने को मिला गाड़ी में सेकंड सर्विस के बाद, तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला। ये वीडियो ओनली फॉर ब्रेक रेस्ट के ऊपर बनाया है, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि राहुल भाई आप ब्रेक रेस्ट लगवा लो, तो मैं एक मंथ से आपके कमेंट देख रहा हूँ, तो ब्रेक रेस्ट पे मैंने सोचा पूरा वीडियो ही बना देते हैं, आपको डिटेल में बता देंगे ब्रेक रेस्ट कितने में पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख लो ब्रेक रेस्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, आपको ब्रेक रेस्ट और भी कलर में मिल जाएगा, ब्राउन कलर में, ब्लैक कलर में, आपके गाड़ी के कलर के हिसाब से मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल जो भी रहता ना हेलमेट, मैंने हेलमेट भी बाई किया है, अगर आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। मैंने आज हेलमेट भी बाई किया था शोरूम से, उसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 3900 रुपये की, अगर आप चाहो आप कहोगे तो मैं उस हेलमेट का भी डिटेल वीडियो बना दूंगा, कौन सा हेलमेट है उसका भी बना दूंगा, ताकि आप भी अगर लेना चाहो तो आराम से ले सकते हो, हेलमेट की क्वालिटी बहुत बढ़िया। मैं आपको आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बताना कि आपको हेलमेट के ऊपर भी वीडियो चाहिए। यहाँ पे इस ब्रेक रेस्ट के पीछे आपको रॉयल एनफील्ड के आर का लोगो देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। बाकी आप कमेंट करके बताना आपके पास रॉयल एनफील्ड की कौन सी बाइक है, क्लासिक है, स्टैंडर्ड है या फिर मिट्टियोर है, कौन सी है कमेंट करके बताना। यहाँ पे मुझे तो बहुत बढ़िया लगा ये ब्रेक रेस्ट लगा के, जिस भाई ने भी कमेंट किया था उस भाई को थैंक यू, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ब्रेक रेस्ट लगाओ तो मैंने लगा दिया, और भी और कुछ एसेसरी गाड़ी में लगवानी हो तो वो भी आप कमेंट करके बताना, आपका राहुल भाई लगवाने की पूरी कोशिश करेगा।
तो आपसे मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। और यार एक आप बुरा लगता है क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो लेकिन आप लाइक नहीं करते, वीडियो पे 400-500 व्यूज रहते हैं, लाइक सिर्फ 10-12 लाइक आते हैं, तो बहुत बुरा लगता, तो आप लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो के साथ, तो यार आप लाइक प्लीज़ कर देना अपने भाई के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।